हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी ना दोस्तों। जैसा कि दोस्तों जो भी पुराने हैं वो जानते हैं कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज लेकर आए थे, ठीक है दोस्तों। उसमें भी काफ़ी कुछ दोस्तों हम लोग कर चुके हैं। अगर हम बात करें जैसे कि अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटिकल, हम लोगों ने दोस्तों उसको दो पार्ट में, पहले मेजर दो पार्ट में बांटा था दोस्तों, एक तो इंडियन पॉलिटिकल, दूसरा इंडियन फिजिकल में, ठीक है दोस्तों। तो इंडियन पॉलिटिकल का जो पोर्शंस है यानी जो भाग है वो हम लोग कर चुके थे, और उसके बाद इंडियन फिजिकल वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम शुरू किया। ड्रेनेज सिस्टम में दोस्तों हम लोग जैसे कि नदियाँ पढ़ी, झीलें पढ़ी, जलप्रपात पढ़े, बंदरगाह पढ़ा, फिर उसी में अंतर, और लास्ट जो क्लास हम लोग ने की थी वो दोस्तों कौन सी थी? अंतर्देशीय जलमार्ग यानी इंटरनल वाटर वेज। इसी के अंदर दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय जलमार्ग पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। जो हमारे भारत में मेजर 6 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं दोस्तों, ये हम लोग इंटरनल वाटर वेस यानी अंतर्देशीय जलमार्ग के अंदर ही जो टॉपिक्स होता है उसी में पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। आज का जो दोस्तों मेरा नया टॉपिक्स है वो दोस्तों होगा सॉइल्स पे यानी मिट्टी, ठीक है दोस्तों। तो सॉइल्स का टॉपिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, और दोस्तों मैं बता दूँ बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही डिटेल में, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, आपको सॉइल्स में बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि मैं दोस्तों इसमें आपको आराम से पढ़ाऊंगा। और दूसरी चीज़ तो ये, देखो वैसे भी दोस्तों हम लोग आराम से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग अगर जल्दी पढ़ते तो एटलीस्ट हमको लग रहा है हमारी लगभग 40 से 45 क्लास हो चुकी हैं। हमको याद नहीं है एग्जैक्टली कितनी हो गई हैं, बट ये मैं बता रहा हूँ कि लगभग 40 से तो ज़्यादा हो ही गई हैं, है ना। और इंडियन ज्योग्राफी अभी भी ख़त्म नहीं हो, और उसमें भी दोस्तों मैं बता दूँ 40 क्लास हुई हैं, और उसमें भी दोस्तों अभी हम लोग का मानसून पूरा रह गया है। तो यानी आप समझ सकते हैं ना कि हम लोग कितना डिटेल से पढ़ रहे हैं और कितना आराम से पढ़ रहे हैं। बात यही है कि चीज़ें हमारी होनी चाहिए, हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए कहीं से भी। अगर इंडियन ज्योग्राफी से किसी भी टॉपिक से कैसा भी फैक्चुअल आता है, कॉन्सेप्चुअल आता है, या और भी चीज़ें जो जैसी क्वेश्चन आती है वैसा हो, हमारा बन जाए दोस्तों। इसी पर्पज़ से दोस्तों मैं ज्योग्राफी को इतना आराम से और इतना डीप में पढ़ा रहा हूँ, ताकि एक बार आप ज्योग्राफी पढ़ लें, इसके बाद आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप इसी को बार बार रिवीजन करें, इसी वीडियो को बार बार देखें, आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों आज का जो टॉपिक्स है दोस्तों, हम लोग इंडियन सॉइल शुरू करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं, जो भी मेरी चैनल पर अगर आज नया जुड़ा हो दोस्तों, उनका मेरी चैनल पर स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों मेरे चैनल पर आपको रुककर थोड़ा देखना है वीडियो, अगर आपको पसंद आता देना आप मेरे साथ कंटिन्यू करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जैसे कि जो भी मेरे साथ नया जुड़ा हो तो उसका मैं बता दूं कि यहाँ पढ़ने का क्या तरीका होगा दोस्तों। तो पहली चीज़ तो दोस्तों ये होगी कि हम जो यहाँ पे मैप बनाएंगे, जो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ जहाँ पे इस ब्लैक बोर्ड पर जो लिखेंगे, या मैं कभी बोलता हूँ और आपसे बोलता हूँ कि आप लिख लीजिए, तो आपको उसको कॉपी में नोट डाउन करना है। एक आपको अपनी कॉपी रखनी, एक पेन रखनी, आराम से उस पर नोट्स बनाइए। आपका हैंड रोट जो खुद का सेल्फ हैंड रोट नोट्स जो खुद का हो जाएगा रिटर्न बाय, तो आप लोग क्या करेंगे उसका बढ़िया आराम से उसको, क्योंकि क्या होता है जो हम लोग खुद से लिखे रहते हैं वो हमारे पास ज़्यादा दिन तक हम ज़्यादा उसको गेन कर पाते हैं, हमें याद रहता है, रिटेन कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों लिखी हुई चीज़ हमें ज़्यादा दिन तक याद रहती है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और दोस्तों क्या है ना दोस्तों, देखो आजकल लोगों के मन में क्या है कि बस उनको PPT बनी बनाई मिल जाए, कोई पढ़ा के चला जाए, या उनको कोई ऐसा मिलता हो मंत्र वंत्र दे दे जो उनको रट जाए, वो सब दोस्तों नहीं हो पाता है, क्योंकि दोस्तों हमें करना खुद से। तो हम जब खुद से नोट्स बनाते हैं, बढ़िया एक बनाइए नोट्स, और उसके बाद उसमें लास्ट पेज में लिखिए रिटन बाय जो भी नाम हो, मेरा जैसे सुनील कुमार तो मैं लिख दूंगा रिटन बाय, एक बुक्स हो गई, यानी मान लीजिए हमने एक बुक्स पब्लिश कर दी अपनी मार्केट में, हमने अपना एक नोट्स बना लिया, तो मतलब हमने एक अपनी बुक्स जो नोट्स है पब्लिश कर दी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में। तो आप बढ़िया आराम से बनाइए, और अपने आप में एक अनुभूति भी कीजिए कि हमने एक नोटबुक बना ली है ना, तो उसका भी थोड़ा मज़ा ले लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो नए हैं दोस्तों उनका स्वागत है, और जो पुराने हैं उनके लिए धन्यवाद, बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों चलिए हम लोग दोस्तों आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं सॉइल। तो सॉइल में देखिए दोस्तों, हम लोग इसको 3 तरीके से बांट के पढ़ेंगे। कैसे? पहले हम इसका एकदम बेसिक पढ़ेंगे, फिर थोड़ा और इसमें थोड़ा टर्मोलॉजी में जाएंगे। जैसे ज्योग्राफी में देखिए, अभी तक दोस्तों मैं आपको सच बता दूं तो मैंने अभी तक जो पढ़ाया है मैंने उसमें ज़्यादातर आपको इजी वे में पढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जैसे इंग्लिश के लिए इंग्लिश के कुछ शब्द होते हैं, ऐसे ही जैसे साइंस के लिए साइंस के कुछ शब्द होते हैं, ऐसे ज्योग्राफी में भी ज्योग्राफी के ही कुछ शब्द होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने उन शब्दों को आपको छुपाया है, रीज़न यही है कि आप लोग अगर शुरुआत में अगर पढ़ रहे हैं, अगर मैं उन शब्दों का यूज़ करूँगा, क्लिष्ट क्लिष्ट शब्द होते हैं, एक तो हिंदी में अगर हम बात करें तो
तो उनकी दिक्कत हो गई। तो आप बढ़िया आराम से, आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि मैंने कोई ऐसे शब्द यूज़ किया जो आपको लगे कि नहीं मुझे नहीं आता। हालांकि ज्योग्राफी में ऐसे टर्म हैं जो मैं यूज़ करता, और बहुत सारे होते हैं दोस्तों, मुझे पता भी है, बट मैं आपको अच्छे से समझाने की क्रम में दोस्तों मैंने उनका यूज़ बहुत कम किया है, यानी इनका उपयोग बहुत मैंने कम किया है। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है आज मैं कुछ टर्मोलॉजी अगर यूज़ करता हूँ तो आप उसमें घबराए ना, मैं आपको उनको बताऊँगा दोस्तों। बट चलिए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों सॉयल, ठीक है दोस्तों, बहुत ही प्यारा टॉपिक है दोस्तों, और बहुत आराम से पढ़िएगा। और दोस्तों हमने, हाँ मैं बता रहा था कि इसको हम लोग तीन चरण में पढ़ेंगे। पहले चरण में एकदम बेसिक बेसिक जानेंगे क्या होती है सॉयल, कैसे बनती है, और कौन कौन से इसमें एजेंट होते हैं, ठीक है। फिर दूसरे में हम लोग जाएंगे इसका टाइप्स, फिर इसके बाद टाइप्स के बाद देन हम इसके अंदर तीसरे में करेंगे उन टाइप्स का डिटेल, यानी पहले में बेसिक, दूसरे में और थोड़ा एडवांस, फिर इसके में थोड़ा और, फिर जो हाँ और एडवांस, यानी तीन क्रम में करेंगे, बेसिक से लेकर एकदम एडवांस तक सब कर डालेंगे। दो से तीन क्लास मोस्टली, तो है ना, मोस्ट प्रोबेबली लगभग दो ही क्लास में हो जाना चाहिए, अगर लगा तो तीसरी क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग आराम से करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सॉइल, सबसे पहले व्हाट इज़ अ सॉइल, यानी सॉइल का अगर हिंदी में बात करूँ तो क्या हो जाता, सॉइल इज़ अ नथिंग दैट इज़ क्या होता दोस्तों, ये होता है दोस्तों मृदा, क्या दोस्तों मृदा, यानी मिट्टी। ठीक है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों सॉइल, यानी दोस्तों मृदा, है ना, सॉइल नथिंग दैट इज अ नथिंग बट इट इज अ मृदा एंड मिट्टी। ठीक है दोस्तों, तो क्या होती है दोस्तों सॉइल, सॉइल दोस्तों हिंदी का अगर इसका मीनिंग बोले तो या तो मृदा बोल दीजिए, मृदा है दोस्तों, ये बहुत ही शुद्ध शब्द होता है। वैसे मिट्टी हम लोग लेह लैंग्वेज में बोलते हैं, बट इसका मेन शब्द जो होता है वो मृदा ही होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मृदा क्या होती है, व्हाट इज़ अ सॉइल, है ना, मतलब सॉइल क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो सॉइल क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा। मान लीजिए हम मृदा पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए दोस्तों कि मृदा कहते किसके हैं, या सॉइल जो क्या होती है, तो इसका अगर मैं पूछूँ व्हाट इज़ अ सॉइल, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा ना, मतलब आराम से सुनिएगा, तो व्हाट इज अ सॉइल, मतलब व्हाट इज सॉइल, मतलब सॉइल क्या है, अगर मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, कोई भी पूछे आपसे कि मृदा क्या है, तो अभी तक तो हम लोग भाई ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मिट्टी को ना जानता हो, उसे पता है कि क्या मिट्टी होती है, बट उसको अगर शब्दों में यूज़ करना हो तो शायद उसको बताना है, मैं शब्दों में अगर बताना हो किसी को तो दोस्तों शायद हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो जाए, या उसको मन में हो बट निकले ना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो उसके लिए हमें ये जानना दोस्तों ज़रूरी है कि सॉइल होते क्या है, मतलब सॉइल क्या है। तो सॉइल दोस्तों नथिंग, है ना, सॉइल इज़ अ नथिंग बट नॉन इज, अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये होता है दोस्तों कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स, क्या होता है दोस्तों कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स, यानी खनिजों का मिश्रण। तो अगर दोस्तों मैं बात करूं तो सॉइल इट इज अ, है ना, अगर मैं सॉइल की बात करूं तो इट इज अ कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स, यानी या खनिजों का मिश्रण है। दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगी, बड़े आराम से पढ़िए, बहुत ही रिलैक्स होकर पढ़िए मेरे साथ में। तो सॉइल का अगर कोई भी पूछे कभी भी, तो सॉइल क्या है अगर कोई पूछे तो बोल दीजिए कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स, यानी खनिजों का मिश्रण है, ठीक है ना। तो खनिजों का मिश्रण, अब इसमें कौन कौन से खनिज होते हैं दोस्तों, जैसा मैं आपको बता ऐसे लिख रहा हूँ, जैसे वैसे एज इट इज आप वैसे लिख लीजिए, अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, व्हाट इज द सॉइल तो लिख लीजिए कंपोजिशन ऑफ मिनरल, बस इतना, ठीक है ना दोस्तों, या आपको पूरा लिखना है तो इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ मिनरल, यह खनिजों का मिश्रण है, बस इतना लिख लीजिए। हिंदी में लिखिएगा यह खनिजों का मिश्रण है, हिंदी में लिखिएगा इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है दोस्तों। तो सॉइल की बात हो गई, सॉइल क्या होता है ये मैंने बता दिया, क्या होता है कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स, यानी खनिजों का मिश्रण। अब अगर आपसे कभी भी कोई भी पूछता है कि मिट्टी क्या है, मृदा क्या है, सॉइल क्या है, तो आप बता सकते हैं कि इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स, यानी यह खनिजों का मिश्रण है, सबसे पहली बात। अब दूसरी बात, किन किन खनिजों, कुछ खनिज के मैं नाम बता दे रहा हूँ, बहुत सारे होते हैं बट मैं कुछ बता दे रहा हूँ, आपको भी ऐसा एरो करके लिख लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों एल्यूमिनियम,
ठीक है दोस्तों, एल मैं लिख दे रहा हूँ, एल का मतलब एल्यूमिनियम शॉर्ट फॉर्म में, ऑक्सीजन, ठीक है देखो, फिर आयरन एफ ई, फिर इसके बाद आयरन के बाद मैग्नीशियम, सिल्का, है ना, बहुत सारे होते हैं, बट इतने बस आप एग्जाम्पल देने के लिए लाइक करके ऐसे एग्जाम्पल देने के लिए ऐसे आप लिख लीजिए समझाने के लिए, ठीक है देखो। तो दो चीज़, एक चीज़ हो गई कम, क्या होता है सॉइल, क्या होती है दोस्तों कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स होते हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं, तो ये बात हो गई। तो मैं देखो बार बार रिपीट करने का मतलब यही है कि मैं जितनी बार बोलूं आप उतनी बार सुने, आप भी उतनी बार बोले, और बोलते बोलते ही आपको याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैंने कम से कम 3-4 बार रिपीट कर दिया होगा कि क्या होता है सॉइल, तो सॉइल क्या होती है कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स होती है। मैं आपको बता दूं इतना सरल शब्दों में आपको कहीं मिलेगा नहीं, आप जाके पढ़िएगा बुक्स में, ठीक है दोस्तों, या कहीं। तो कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स क्या होता है, मिट्टी को क्या बोलते हैं दोस्तों, कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स यानी एल्युमिनियम, जो कुछ छोटे छोटे कुछ होते हैं मिनरल्स, जैसे मैंने कुछ नाम बता दिया आपको, ये आपको याद रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब इसकी बात होती, ये तो हो गई इसकी पहली बात, मैं मिटा लूँ इसको। अब दूसरा मैं हम लोग पहुँचते हैं इसमें और क्या होते हैं दोस्तों, दूसरी बात मिनरल्स, ये तो चलो हो गई कि मृदा होती क्या है, ये तो बात हो गई, अब इसका निर्माण कैसे होता है दोस्तों, है ना, मतलब ये बनती कैसे है ना, क्या सारी जगह पे हमको मिट्टी एक जैसी मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, उनके प्रकार हैं वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट ये जानेंगे कि निर्माण कैसे होता है ना। तो फॉर्मेशन बाय, है ना, मिट्टी का निर्माण। तो अगर मैं बात करूं, ये मेरा अगर मैं बात करूं मिट्टी का निर्माण है ना, कैसे इसकी मैं बात करूंगा, तो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, कैसे होता है मिट्टी का निर्माण कैसे होता है ना दोस्तों। तो ये दूसरी चीज, पहली चीज तो हमने जान ली कि मृदा क्या होती है, अब दूसरा क्या जानना है दोस्तों कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों अगर मैं इनकी इसकी बात करूँ, तो दोस्तों अगर मैं अपनी अर्थ की बात करूँ, अगर हम लोग इधर मैं बना रहा हूँ तो इधर मैं समझाऊंगा आपको, इधर देखिएगा मेरे साथ आप लोग, सॉरी दोस्तों गोला गोला तो बन ही नहीं रहा है। अगर मैं अपनी अर्थ की बात करूं दोस्तों, तो ये कुछ इस तरह गोल होती है ना, ये अर्थ हो गई। अर्थ में दोस्तों 3 लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी दोस्तों मैं बताता हूं अभी, मैं तीनों लेयर पहले बना देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। ये अर्थ में दोस्तों, हम लोग अर्थ के अंदर जब जाएंगे तो हमको 3 लेयर मिलती हैं दोस्तों। तो जो फर्स्ट लेयर होती है ये वाली, तो इसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग क्रस्ट। ये दोस्तों हम लोग जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब इसका बहुत डिटेल से करेंगे, तब एक टॉपिक आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी अर्थ की आंतरिक संरचना, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तब वहाँ पे दोस्तों इसको पढ़ते हैं, बट यहाँ पे थोड़ी नीड है इसीलिए मैं इसको आपको बना देता हूँ, बट यहाँ पे जितनी ज़रूरत है मैं उतनी बता दूंगा। क्रस्ट होता है दोस्तों, फिर इसके बाद दोस्तों मेंटल होता है दोस्तों, क्रस्ट मेंटल एंड दोस्तों कोर, यानी ऊपर की जो सतह होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं, मेंटल दूसरा, अगर हिंदी में इसकी बात करें तो भू चटपटी, क्या दोस्तों भू चटपटी नहीं मतलब दोस्तों भू पर पटी, जैसे इसको वैसे अगर हम चटपटी भी कहें ना तो बिल्कुल इंसान भी होते हैं एकदम, हाँ चटपटी है तो चटपटी है ना, यहाँ इंसान भी बहुत चटपटे हैं। तो भू क्रस्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों, भू पर पटी, फिर मेंटल को दोस्तों मेंटल ही बोलते हैं दोस्तों, इसको हिंदी में भी दोस्तों इसको मेंटल ही बोलते हैं। कोर को दोस्तों, इसको केंद्र ना भी जो भी लिखना चाहें, कोर को कोर ही लिख दें हिंदी में, या ना भी केंद्र सेंटर जो भी, ठीक है दोस्तों। तो ये इसमें तीन अर्थ के 3 लेयर होते हैं, फर्स्ट दोस्तों क्रस्ट, फिर इसके बाद दोस्तों मेंटल, और सबसे अंदर जो अर्थ का होता है वो कोर होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करें जो क्रस्ट होती है दोस्तों ना, क्रस्ट यानी जो मिट्टी का निर्माण होता है ये क्रस्ट से होता है। इस कैसे होता है क्रस्ट है? तो जो क्रस्ट है, जब क्रस्ट ये टूट फूट जाती है तो इसी से मिट्टी का निर्माण होता है। तो अगर हम बोलें, अगर हम इसको लिखना चाहें तो अगर हम इसको लिखें तो इट इज़ अ, हिंदी में मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, इट इज़ फॉर्म्ड बाय वेदरिंग, मैं बताता हूँ अभी, वेदरिंग या डीकम्पोजिशन
बाय डिकम्पोजिशन ऑफ अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट। ठीक है दोस्तों, अभी जब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे तब उसमें भी दोस्तों क्या होता है, ये क्या लग गया, पेन का लग गया, चलो कोई नहीं। तो इट इज़ अ फॉर्म्ड बाय वेदरिंग डिकम्पोजिशन या वेदरिंग या डिकम्पोजिशन ऑफ अपर क्रस्ट। जब हम लोग देखो, अभी मैं बता रहा था कि जब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जब अर्थ पढ़ते हैं दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी में, तो इसको भी दोस्तों हम लोग दो पार्ट बांटते हैं, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल लोअर मेंटल, अपर कोर लोअर मेंटल, है ना। तो इसी में क्रस्ट का जो ऊपरी जो अपर मेंटल होता है उसको दोस्तों उसके टूटने से दोस्तों हम लोग बताएंगे, भी पढ़ते हैं इसका फॉर्म कैसे बनता है ना दोस्तों ये। तो मिट्टी का जो निर्माण होता है इट इज़ अ फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन एंड वेदरिंग ऑफ अपर मेंटल, यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह के टूटने फूटने से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। लिख लीजिए दोस्तों, पृथ्वी के ऊपरी सतह यानी क्रस्ट के टूटने फूटने से और या अपरदन अपक्षय से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह ब्रैकेट में क्रस्ट कर लीजिएगा, इसके बाद लिखिएगा उसके वेदरिंग एवं अपक्षय के कारण क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। तो इट इज़ अ फॉर्म्ड बाय वेदरिंग एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द अपर मेंटल, सॉरी अपर क्रस्ट। ठीक है दोस्तों, तो मिट्टी का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है दोस्तों, हिंदी में लिखना है तो लिखिए दोस्तों, मिट्टी का निर्माण दोस्तों पृथ्वी के ऊपरी सतह ब्रैकेट में क्रस्ट करिएगा उसके अपक्षय अपरदन के कारण होता है, या टूटने फूटने से अगर शुद्ध हिंदी लिखना चाहे तो टूटने फूटने के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो मिट्टी के निर्माण की बात हमारी हो गई। ठीक है, दूसरी चीज दोस्तों अब ये हो गई, अब दोस्तों ये टूट फूट रही है तो पृथ्वी क्या अपने आप टूट फूट जाती है, ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो कोई कारक, कोई एजेंट, कोई ना कोई तो काम करता है उसको टूटने फूटने में। भाई पृथ्वी तो ऐसा है नहीं कि अपने आप उसके हाथ पैर है टूट तोड़ रही खुद को, तो ऐसा नहीं है। पृथ्वी को तोड़ने के लिए यानी पृथ्वी के जो ऊपरी क्रस्ट है उसको तोड़ने के लिए कोई ना कोई एजेंट यानी कोई ना कोई कारक तो काम करता है ना, यानी पृथ्वी के जो टूट जो ऊपरी सतह है उसको तोड़ने में कोई ना कोई तो कारक कार करता है। भाई जो कारक कार करते हैं तो यानी उनको भी पता होना चाहिए, यानी हम अगर हम बात करें तो पृथ्वी के ऊपरी सतह के टूटने से क्या होता है, टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण होता है, तो यानी मिट्टी को बनाने के लिए कुछ कारक कार्य करते हैं दोस्तों। अगर हम इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो मिट्टी को बनाने के लिए कुछ कारक कार्य करते हैं, तो वही जो मिट्टी को तोड़ है ना, जो पृथ्वी को तोड़ने के लिए कुछ एजेंट होते हैं उनका नाम क्या होगा, तो एजेंट अगर मैं बात करूं, कारक एजेंट, मैं यहीं पे शॉर्ट लिख दे रहा हूं एजेंट। ठीक है दोस्तों, एजेंट यानी कारक, समझिएगा दोस्तों मैं पूरा नहीं लिखा रहा हूं कि मतलब अभी एक लाइन बना दो इसको। तो इसमें अगर हम एजेंट की बात करें, मतलब कौन से एजेंट है जो मिट्टी को तोड़ने फोड़ने में काम करते हैं, तो दोस्तों अगर हम बात करें मतलब क्रस्ट को तोड़ने में कार्य करते हैं, तो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो ये तो होता है पहले वनस्पति यानी वेजिटेशन, क्या दोस्तों, वनस्पति यानी वेजिटेशन। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा होता है दोस्तों एयर, एयर माने मतलब भाई दोस्तों वायु है ना दोस्तों, वायु भी क्या होती है, सतह पे चलती है तो क्या होता है, रगड़ा लगता है तो कभी कभी क्या होती है, अर्थ का जो ऊपरी क्रस्ट होता है वो टूट जाता है, या कभी कभी आपने देखा होगा जैसे पहाड़ों पे अगर आप जाएं कभी तो देखें, मतलब कि बहुत सालों में हो जाता है, हवा उस जगह से चल रही है, टकरा रही है, टकरा रही है, चल रही है, टकरा रही है, ठीक है, एक समय बाद क्या होगा वो वहां से टूट जाएगा, हवा का फोर्स लगता रहेगा, धीरे धीरे फोर्स लगता रहेगा, वो टूट जाता है दोस्तों, यही ये होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दोस्तों वाटर होता है, वाटर भी क्या होता है दोस्तों, और जहाँ से निकलता है वहाँ आस पास काट फाड़ देते हैं ना, मतलब काट छाड़ देता है, आपने हम लोग अर्थ में देखा है कि क्या करता है वो, उत्तर भारत के मैदान कैसे निर्माण हुआ, हिमालय को काट कर जो मिट्टियाँ लाई गई वही तो यानी पानी कुछ कटाव छटाव कर रही तो उसके द्वारा भी मिट्टी का निर्माण हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दूसरा होता है क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन। अब क्लाइमेटिक कंडीशन दोस्तों कैसे कार्य करती हैं, तो क्लाइमेटिक कंडीशन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, जैसे रेनफॉल्स है भाई दोस्तों, अर्थ पे जब हम क्या करते हैं, रेनफॉल्स होगी, वर्षा होगी तो क्या होगा, मिट्टी पे पानी पड़ेगा, उसका क्या होगा, उस वो थोड़ा बहुत उसका जो अंदर का जो जो वो भी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा क्या होगा, नर्म होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर पड़ा, जब टेम्परेचर पड़ा तो वो क्या होगी, इसी तरह जैसे टेम्परेचर है, रेनफॉल्स है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, इनके वजह से क्या होता है मिट्टी का दोस्तों क्या होता है, इनमें फॉर्मेशन यानी इनका मिट्टी का जो टूट फूट के कारण, ये भी टूटने फूटने में मिट्टी के जो यानी क्रस्ट के जो ऊपरी जो क्रस्ट है, सॉरी दोस्तों
जो पृथ्वी का जो ऊपरी क्रस्ट है दोस्तों, उसको तोड़ने फोड़ने में दोस्तों क्लाइमेटिक कंडीशन का भी योगदान होता है। तो दोस्तों आपको मैंने यहाँ दो चीज़ें बताई हैं, एक तो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, यानी मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो यह क्या होता है, इसका निर्माण जो होता है पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है उसका जो क्रस्ट है, यानी उसको हम लोग ऊपरी सतह को क्रस्ट बोलते हैं, जिसमें हम लोग खड़े हैं दोस्तों उसको क्रस्ट बोलते हैं दोस्तों, उसके टूटने फूटने से या वेदरिंग यानी अपक्षय या निक्षेपण के कारण क्या होता है, सॉरी अपक्षय या अपरदन के कारण दोस्तों क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, ये मैंने अपक्षय अपरदन दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ शब्द मैं यूज़ करूँगा, परेशान मत, यानी कुल मिला के ये जान लीजिए कि टूटने फूटने के कारण क्या होता है दोस्तों, मिट्टी का निर्माण हो जाता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, मिट्टी का, अब मिट्टी टूटी है तो उसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा मिट्टी को तोड़ने के लिए, ऐसे अपने आप तो टूट नहीं जाएगी, तो वही मैंने बनाया, इसको तोड़ने के लिए कुछ एजेंट काम करते हैं, कौन कौन से दोस्तों, वनस्पति है, एयर है, वाटर है, क्लाइमेटिक कंडीशन है। अब ये तो समझ में आ रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन में कौन कौन से, तो टेम्परेचर है, जलवायु मानसून वो वर्षा है, ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपका कार्य करती है इस पर, ठीक है दोस्तों। तो फिर ये तो दूसरी बात हो गई, अब सबसे चीज चलो हम लोग करते हैं, अध्ययन कर रहे हैं भाई, हर चीज़ के अध्ययन को दोस्तों हम लोग एक उसकी टर्मोलॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जैसे हम लोग देखो आर्कियोलॉजी यानी जो पुरातत्व शास्त्र के जो भी चीज़ें हम लोग अध्ययन करते हैं उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों हम लोग क्लाइमेट का अध्ययन करते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह हम लोग दोस्तों स्थल मंडल का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, स्थल मंडल का क्या होता है दोस्तों, है ना, लिथोस्फीयर का जो हम लोग शब्द कॉन्सेप्ट लाते हैं। इसी तरह दोस्तों हम लोग जब ओशियनोग्राफी यानी ओशियनोलॉजी, है ना, जब सागर का अध्ययन करते हैं तो ओशियनोलॉजी यानी ओशियनोग्राफी या ओशियनोग्राफी भी बोलते हैं दोस्तों, ओशियनोलॉजी बोलते हैं ना, लॉजी यानी मतलब अध्ययन होता है दोस्तों, या मैंने पहली क्लास में आपको बताया है लॉजी मतलब। तो दोस्तों इसी तरह जब जो मिट्टी होता है, मिट्टी का जो अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पेडोलॉजी, क्या बोलते हैं दोस्तों, पेडोलॉजी। तो मिट्टी के अध्ययन का जो निर्माण की जो अध्ययन की जो प्रक्रिया है उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पेडोलॉजी। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, इधर देखिएगा मेरे पास, इधर मेरी साइड मैं रेड कलर से लिखता हूँ बड़ा बड़ा, क्या होता है दोस्तों, स्टडी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ स्टडी, आप लोग को अभी मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिएगा स्टडी एंड इसको बोलते हैं दोस्तों पेडोलॉजी, क्या दोस्तों, पेडोलॉजी। तो जो मिट्टी के जो अध्ययन की जो विधा है दोस्तों या प्रक्रिया है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पेडोलॉजी, मिट्टी के अध्ययन की विधा को दोस्तों हम लोग पेडोलॉजी बोलते हैं, शुद्ध हिंदी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दोस्तों, मिट्टी के अध्ययन की विधा को दोस्तों हम लोग पेडोलॉजी बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बताया क्लाइमेट का अध्ययन क्लाइमेटोलॉजी है ना दोस्तों, और क्या कहते हैं, इसी तरह मैंने बताया फिर ओशन का अध्ययन ओशनोलॉजी दोस्तों, स्थल का अध्ययन है ना, स्थल मंडल का अध्ययन क्या होता है दोस्तों, लिथोस्फीयर उसको बोलते हैं दोस्तों, उसमें पढ़ते हैं लिथोलॉजी, तो स्टडी पेडोलॉजी। तो मिट्टी के अध्ययन की विधा को दोस्तों दोस्तों पेडोलॉजी बोलते हैं। मैंने तीन चार चीज़ें बता दी, मैं रिविज़न कराता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने बताई आपको कि मिट्टी का निर्माण कैसे, सॉरी दोस्तों मिट्टी किसे कहते हैं, यानी मृदा, सॉइल, व्हाट इज़ अ सॉइल, क्या होती है दोस्तों। तो मैंने बताया कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स, जिसमें मैंने आपको बताया यानी खनिजों के मिश्रण को हम लोग का जो होता है उसको दोस्तों हम लोग मृदा कहते हैं। दूसरी चीज़ में कुछ सॉइल्स, मैंने कुछ मतलब मिनरल्स के नाम आपको बताए हैं दोस्तों, जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है ना दोस्तों, ये हो गए, सिल्का है ऐसे। फिर मैंने इसको आप इसमें दोस्तों आपको दूसरा बताया कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो मैंने बताया दोस्तों पृथ्वी का जो ऊपरी सतह जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट के टूटने फूटने से दोस्तों क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। अगर हम शुद्ध शब्द बोलें तो उसका अपक्षय एवं है ना अपक्षय एवं अपरदन यानी वेदरिंग एवं डिकम्पोजिशन से क्या होता है मिट्टी का, इट इज़ अ फॉर्म्ड बाय वेदरिंग एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द अपर क्रस्ट, यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह के अपक्षय एवं अपरदन के कारण क्या होता है मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। या ऐसे भी लिख सकते हैं पृथ्वी के ऊपरी सतह के टूटने के कारण क्या होता है मिट्टी का निर्माण होता है, ऊपरी सतह के बाद मैंने ब्रैकेट में आपको कहा था कि आप क्रस्ट लिख लेना चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाएगी क्रस्ट बोलते हैं। फिर दूसरी चीज़ मैंने बताया कि अब जब टूट फूट रही है तो उसमें कुछ ना कुछ कार्य करेगा, कोई ना कोई एजेंट, कोई ना कोई कारक कार्य करेगा उसको तोड़ने फोड़ने में। तो मैंने बताया कि उसमें कौन कौन से होते हैं, तो जैसे मैंने बताया एजेंट के तौर में मैंने बताया आपको वनस्पति यानी वेजिटेशन, एयर मतलब वायु, वाटर मतलब जलवायु, एंड क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब कुछ जलवायु अवस्थाएं होती हैं जो उन पर काम करती हैं, जिनमें मैंने बताया जैसे टेम्परेचर एंड रेनफॉल्स, ठीक है दोस्तों।
तो ये मैंने कुछ बताया। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि इस अब जब मैंने सब कुछ पढ़ लिया तो फिर हम लोग ये कहेंगे कि हर चीज़ के पढ़ने के लिए हम लोग एक शब्द यूज़ करते हैं। इसी तरह हम लोग पृथ्वी के जो अध्ययन करते हैं यानी मिट्टी का, सॉरी दोस्तों, मिट्टी का जब अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो मिट्टी के अध्ययन की जो विधा होती है दोस्तों, उसको हम लोग पेडोलॉजी बोलते हैं, यानी है ना। तो ये यहाँ तक दोस्तों हम लोग कर चुके हैं, इतना आपको समझ में आ गया। आई होप कोई दिक्कत होती है आप कमेंट करें, कल फिर मैं बता दूंगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग यहाँ तक कल अब कर चुके हैं। ये हमारा पहला लेयर था दोस्तों, बड़े आराम से निकला होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम लोग इसके बाद अब दूसरे है ना, अब इसमें हम लोग टाइप में जाते हैं, यानी हम लोग दूसरे लेयर पे जा रहे हैं। हमने क्या बताया, तीन तरीके से पढ़ेंगे। पहला बेसिक, जितनी अर्थ के बारे में जितनी बेसिक होनी चाहिए वो पढ़ लेंगे। फिर दोस्तों थोड़ा उसका हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसका डिविजन करेंगे, है ना। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग तीसरा फिर इसमें क्या करेंगे, कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे मिट्टियों के बारे में। तो दो हम लोग पहली लेयर हम लोग कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, समझ में आएगा। ऐसे ही बना लीजिए, बड़े आराम से आपका बन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं आप बना लीजिए, या आपका लिख लिया होगा, देख सकते हैं दोस्तों, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरी बात हो गई, चलिए ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई हमारी बात, अभी हम लोग इसका क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, मतलब अर्थ का जो मिट्टी होती है वो कितने प्रकार की होती है ना दोस्तों, टाइप ऑफ मिन है ना, टाइप ऑफ सॉइल्स, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग मिट्टी के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सॉइल्स, टाइप ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार, ठीक है दोस्तों। टाइप ऑफ सॉइल्स यानी मिट्टी के प्रकार, मिट्टी कितने प्रकार की होती। तो हम लोग दोस्तों इसको दो टाइप में पढ़ेंगे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर यानी कणों के आधार पर दोस्तों मिट्टी कितने प्रकार की होती वो पढ़ेंगे, और दोस्तों ICAR के आधार पर यानी एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है एक संस्था है दोस्तों भारत में, उसके आधार पर कितने प्रकार की होती मिट्टी वो पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करें टाइप ऑफ सॉइल्स की, तो हम लोग इसको दो पार्ट में बांट के पढ़ सकते हैं दोस्तों, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे टेक्सचर, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर यानी कणों के आधार पर, कणों के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार की होती है वो देखेंगे दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ ICAR यानी ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार कितने प्रकार की होती है। तो ICAR मैं लिख दे रहा हूं फुल फॉर्म दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के आधार पर कितने प्रकार की होती है मिट्टी। तो दोस्तों ये 8 प्रकार की होती है, ठीक है दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च के अनुसार दोस्तों जो मिट्टी होती है वो 8 प्रकार की होती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार दोस्तों 8 प्रकार की होती है, और ऑन द टेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर यानी कणों के आधार पर जो मिट्टी होती है दोस्तों वो 3 टाइप्स की होती है ना, कितने टाइप की होती है दोस्तों, 3 टाइप की, इसको मैं अगेन डिवीजन कर ले रहा हूँ, 3 टाइप्स की होती है दोस्तों। 3 टाइप्स में दोस्तों कौन कौन सी है, तो वो दोस्तों इसको बोलते हैं, पहली होती है दोस्तों सैंड, सैंड, फिर सिल्ट, और तीसरी दोस्तों क्ले। तो कणों के आधार में मिट्टी 3 प्रकार, कौन कितने प्रकार की, 3 प्रकार, सैंड, सिल्ट, क्ले। अब इसको सैंड को दोस्तों बालू मिट्टी बोलते हैं दोस्तों, है ना दोस्तों, बालू मिट्टी। सिल्ट को दोस्तों हिंदी में सिल्टी लिखते हैं, क्ले का मतलब चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बालू मिट्टी,
चिकनी मिट्टी सिल्ट को दोस्तों सिल्ट बोलते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर यानी कणों के आधार पर मिट्टी को हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं दोस्तों। और ICAR का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार दोस्तों हम लोग मिट्टी को दोस्तों आठ भागों में बांट के पढ़ते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, इतना डिटेल्स में आप देख लीजिएगा कहीं पर पढ़ के, आपको मिलने वाला नहीं है दोस्तों जितना मैं आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ। आप बस खाली आप लोग बने रहें, आराम से पढ़ें मेरे साथ, आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। कोई प्रॉब्लम्स होती आप, मैं ज्योग्राफी छोड़ दी, किसी सब्जेक्ट से आपको अगर होती आप तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मैसेज करें, मैं आपको बताऊंगा, रिप्लाई करूंगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर कणों के आधार पर दोस्तों हम लोग मिट्टी को तीन प्रकार से पढ़ते हैं। और ICAR के अनुसार जो होती है मिट्टी आठ प्रकार की है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है कि ICAR के अनुसार यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार भारत में मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो आठ प्रकार की होती है। सीधे आपको आंसर पर लगाना है, एक बार पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों अब ये मिट्टियाँ होती हैं तो कौन कौन सी है दोस्तों, आठ प्रकार की अगर हम बात करें तो पहली मिट्टी दोस्तों होती है एलुवियल। एलुवियल दोनों लिखेंगे दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों, एलुवियल सॉइल। एलुवियल का सॉइल का मतलब होता है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। कौन सी दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है दोस्तों। दूसरी दोस्तों होती है ब्लैक सॉइल। कौन सी दोस्तों? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी, जिसको दोस्तों रेगुर मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी। तीसरी का अगर हम बात करें दोस्तों ब्लैक सॉइल के बाद दोस्तों रेड सॉइल। रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। चौथी की अगर हम बात करें दोस्तों तो लेटराइट सॉइल, यानी लेटराइट को लेटराइट ही बोलते हैं, लेटराइट आगे लिख लीजिए दोस्तों मिट्टी, ठीक है दोस्तों। पांचवा दोस्तों माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल, इसको दोस्तों पर्वतीय मिट्टी दोस्तों बोलते हैं, वो बाकी मैं ऊपर लिख दूंगा अभी, पर्वतीय मिट्टी, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों मैं किधर लिख दूं, माउंटेन सॉइल हो गया, बाकी इधर देख लीजिए कहाँ करूँ इस, अभी इधर है, रुको यहीं लिख लो, जगह है थोड़ा सा देख लेते हैं। छठा दोस्तों क्या होगा, माउंटेन सॉइल के बाद दोस्तों डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल यानी मरुस्थलीय मिट्टी, लिख लीजिएगा दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। दो बची दोस्तों, मैं इधर लिख दे रहा हूँ एक सातवीं, इधर देखिएगा दोस्तों, डेजर्ट सॉइल के बाद मरुस्थलीय मिट्टी के बाद पिटी सॉइल, PATY पिटी सॉइल, इधर देखिएगा पिटी सॉइल, इसको दोस्तों बोलते हैं दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी, ठीक है दोस्तों। आठवां दोस्तों है, आठवां मैं इधर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, जगह नहीं है मैं, क्योंकि मैं दोस्तों मिटालना नहीं चाहता हूँ, यही बताना है मुझे, वरना मैं मिटाल देता। आठवां दोस्तों इधर लिख दीजिएगा, मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूँ। ये दोस्तों होती आठवीं दोस्तों एल्काइन सॉइल। एल्काइन सॉइल यानी क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा या मिट्टी। तो ये आठ प्रकार की दोस्तों ICAR के अनुसार होती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार मिट्टी आठ प्रकार की होती है। कौन कौन सी दोस्तों? तो एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल, एल्काइन सॉइल। हिंदी की अगर बात करें तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी एंड क्षारीय मिट्टी। और हम लोगों ने मिट्टी को दो प्रकार से बांट के पढ़ा था, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, तो टेक्सचर के आधार पर हमने बताया मिट्टी तीन प्रकार की होती है, सैंड सिल्ट क्ले यानी बालू मिट्टी, फिर इसके बाद सिल्ट जो सिल्ट मिट्टी होती है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों, क्ले यानी चिकनी मिट्टी। तो ऑन द बेसिस क्या टेक्सचर यानी कणों के आधार पर दोस्तों मिट्टी तीन प्रकार की होती है, और ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार दोस्तों मिट्टी आठ प्रकार की होती है। आठों प्रकार की मिट्टी मैंने यहाँ बता रखी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कीजिए फटाफट मेरे साथ, मैं लिख लिया होगा, जो भी नहीं लिखा है फटाफट लिखिए इसको, फटाफट से दो मिनट में लगेगा। और फिर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं इसके, यार
चलो छूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी दोस्तों इसके आगे का हम लोग कल करेंगे। दोस्तों आज जो एक क्लास जो थी बेसिक पर, वो हमने बेसिक शुरू खत्म कर दिया आज, मिट्टी से रिलेटेड यानी सॉइल से रिलेटेड। कल जो होगा थोड़ा हम लोग और जाएंगे, हम लोग इसमें आप देखेंगे कल इसमें थोड़ा हम लोग अच्छे से, मतलब इसका जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि यहाँ से जो मैंने दो तीन चीज़ें बताई वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। कल इसके आगे का डिटेल्स रहेगा, यानी कल हम इन मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे, तो कल हमारा यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, कल अगर मोस्ट प्रोबेबली कल हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है दोस्तों तो हम लोग दोस्तों देख लेंगे क्लास और कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोग चीज़ों को आराम से करेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो क्या करना है आपको, बेल आइकन प्रेस करना है ना, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दूसरों को शेयर करना है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, और मुझे भी अच्छा लगेगा दोस्तों जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो मुझे भी अच्छा पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से फिर मैं सोच रहा हूँ अभी लाइव करने के लिए, बस थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कैमरा से रिलेटेड, तो मैं जल्दी ही दोस्तों लाइव आने वाला हूँ। बट मैंने जैसे आपको बताया है कि हमारा प्लान है दोस्तों संडे को हम लोग दोस्तों लाइव आएंगे। हम लोग दोस्तों जो अभी तक मैंने पढ़ाया है लास्ट क्लासेस में, आपको उससे रिलेटेड क्वेरी है, कुछ आपको कुछ पूछना है दोस्तों, तो आप आ सकते हैं उस दिन संडे को। मैंने आपको कहा था कि दोस्तों आप लोग टाइम बताइएगा, किसी भी एक दिन आप लोग जिस दिन चाहें, मतलब आप लोग उस दिन संडे को, मैंने सॉरी संडे को नहीं, मतलब किसी टाइम संडे को, किसी टाइम जो आप लोग टाइम सजेस्ट करें, और अगर जिसका देखते हैं जो मेजोरिटी रहेगी मैं उसको कोशिश करूँगा, अदरवाइज वरना मैं बता दूंगा, अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं खुद से ही बता दूंगा कि क्या टाइमिंग रहेगी। बट मैं आप लोगों का वेट करूंगा फ्राइडे तक, देन सैटरडे को मैं खुद अनाउंस करूंगा कि किस टाइम पर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये आपको सोच रहा हूँ कि जो आपकी जो क्वेरीज हैं, जो आपको कुछ अगर ज्योग्राफी रिलेटेड या अदर सब्जेक्ट रिलेटेड कोई अगर होगा तो मैं बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों, आपको बता दूंगा। बट ज्योग्राफी पर मेरा मेन फोकस रहेगा, जो अभी तक हम लोग पढ़ाए हैं, मैं जो हम लोग पढ़े हैं या मैंने जो अभी तक पढ़ाया है दोस्तों, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी होती है दोस्तों तो आपका स्वागत है, आप आइए उस दिन पढ़िए आराम से, लाइव रहेगा और थोड़ी दो चार बातें भी और हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा रहेगा। और दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो दोस्तों शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें दोस्तों, हमको भी अच्छा लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके, और आप लोग अपनी पढ़ाई दोस्तों अच्छे से करिए, घर पे रहिए सुरक्षित, और पढ़ाई करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग अब यहीं पर ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाय, चाहिए।